नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने इतिहास के उस पन्ने को खोलने जा रहे हैं जिसे आपने सिनेमा के रुपल्ले पर्दे पर अपनी आंखों से देखा होगा। 100 साल पहले दुनिया के सबसे बड़े जहाज के साथ उत्तरी अटलांटिक महासागर में हुए उस वाक्य को हम कभी नहीं भूल सकते। बता दें कि टाइटेनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के पोत से अपने पहले सफ़र के लिए समुद्र में रवाना हुआ तो फिर वापस नहीं लौटा। 14 अप्रैल की रात दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटेनिक अटलांटिक महासागर की गोद में हमेशा के लिए लीन हो गया। टाइटेनिक न केवल अपने समय का सबसे बड़ा जहाज था बल्कि उस जहाज से जुड़ी कई ऐसी रोचक बातें हैं जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे। तो आइए तस्वीरों के माध्यम से आपको ले चलते हैं टाइटेनिक की रोमांचकारी यात्रा पर। बता दें कि आरएमएस टाइटेनिक जहाज जब पानी में उतरा था तो वो उस दौर का सबसे बड़ा जहाज था जिसकी लंबाई 269 मीटर थी। ये उस समय विश्व में सबसे बड़ी मानव निर्मित चीज थी। बस समझ लीजिए कि वो आज के फुटबॉल के 3 बड़े मैदान से भी बड़ा था। दुनिया के इस सबसे बड़े जहाज को 26 महीनों में बनाकर तैयार किया गया था। इसके निर्माण के दौरान 246 लोगों को चोट और 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 269 मीटर की लंबाई वाले टाइटेनिक को अगर सीधा खड़ा कर दिया जाए तो ये अपने समय की हर इमारत से ऊंचा होता। 31 मई 1911 को टाइटेनिक जहाज की लॉन्चिंग देखने 1,00,000 लोग आए थे। टाइटेनिक जहाज को चलाने के लिए हर दिन 600 टन कोयले की ज़रूरत पड़ती थी जिसके लिए 176 लोग रात दिन लगे हुए थे। वहीं जहाज से निकलने वाली करीबन 100 टन राख को हर दिन समुद्र में बहा दिया जाता था। इसके अलावा इस विशाल जहाज की गति 27 मील प्रति घंटा थी। टाइटेनिक जहाज की भव्यता का कोई सानी नहीं था। उस समय ये इकलौता जहाज था जिस पर टेलीफोन और लाइटिंग की इतनी व्यवस्था थी। स्टार लाइन कंपनी ने इस जहाज के हर रूम में बेहतरीन प्रकाश और इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था की थी। कुछ लोग इसे समुद्र के सीने पर दौड़ता हुआ शहर भी कहते थे। क्या कुछ नहीं था टाइटेनिक पर, वो सब कुछ था जितना उस वक्त एक पैसे वाला व्यक्ति कल्पना कर सकता था। बस टाइटेनिक के पास कुछ नहीं था तो वो था वक्त। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटेनिक जहाज के मुख्य लंगर को ले जाने के लिए 20 घोड़ों की ज़रूरत पड़ती थी। टाइटेनिक जब अपनी पहली यात्रा पर निकला तो उस पर 2200 से भी ज़्यादा लोग सवार थे। इस जहाज पर प्रतिदिन यात्री और स्टाफ को मिलाकर 14,000 गैलन पानी महज पीने के लिए उपयोग होता था। टाइटेनिक जहाज पर काम करने वालों की संख्या 885 थी जिनमें केवल 23 महिलाएं थीं। टाइटेनिक के 4 चिमनियों में से चौथी चिमनी नकली थी जिसे केवल जहाज का संतुलन बनाने के लिए लगाया गया था। ये चिमनियाँ इतनी बड़ी थी कि इनमें से 2 ट्रेनें आसानी से गुजर सकती थी। इतिहास की इस सबसे बड़े जहाज की पहली यात्रा में 26 जोड़े अपना हनीमून मनाने आए थे। टाइटेनिक पर यात्रियों और स्टाफ को खाने के लिए 86,000 पौंड मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 3500 पौंड प्याज और 36,000 सेब मौजूद थे। आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन बता दें कि टाइटेनिक पर हर दिन अखबार छपता था जिसमें विज्ञापन, व्यापार जगत, घोड़ा दौड़ परिणाम और दैनिक दिनचर्या का वर्णन होता था। टाइटेनिक जहाज के सफ़र शुरू करने से पहले एक खास प्रथा नहीं निभाई गई थी। सफ़र की शुरुआत से पहले प्रथा के मुताबिक जहाज पर एक तय जगह पर शराब की बोतल तोड़ी जाती थी, लेकिन टाइटेनिक के सफ़र शुरू करने से पहले इस परंपरा को नहीं निभाया गया था। जहाज पर जानबूझकर इसकी क्षमता से बहुत कम लाइफ बोट रखी गई थी क्योंकि ये कभी ना डूबने वाला जहाज था। टाइटेनिक शिप पर 9 कुत्ते थे लेकिन शिप पर एक भी बिल्ली मौजूद नहीं थी। मान्यताओं के मुताबिक शिप पर बिल्लियों को रखना अच्छा माना जाता है, इनसे बाधाएं टलती है। साथ ही ये शिप पर छोटे जानवरों जैसे चूहे और गिलहरियों की संख्या भी कम करती है। जहाज में प्रथम क्लास की टिकट उस समय $4,375 की थी जो कि आज के समय $1,00,000 की होगी। टाइटेनिक जहाज का इंटीरियर लंदन के रिट्ज होटल को देखकर बनाया गया था जिसमें हर तरह की चीज़ें उपलब्ध थी
जैसे कि स्विमिंग पूल, जिम, लाइब्रेरी, रेस्टोरेंट आदि। टाइटैनिक जहाज अटलांटिक महासागर में हिम पर्वत से 14 अप्रैल 1912 को 11:40 पर टकराया था, जिसको फ्रेडरिक फ्लीट नाम के शख्स ने देखा था, जो खुद इस दुर्घटना में बच गया था। वो हिम पर्वत जिससे टाइटैनिक टकराया था वो करीब 100 फीट ऊंचा था। हिम पर्वत के नजर आने के 37 सेकंड के अंदर टाइटैनिक उससे जा टकराया था। टाइटैनिक को तबाह कर देने वाला हिम पर्वत समुद्र में दुर्घटना होने से 2900 साल पहले से तैर रहा था। कैप्टन को जिस समय हिम पर्वत नजर आया, अगर वो उससे मात्र 30 सेकंड पहले दिख गया होता तो जहाज की दिशा बदली जा सकती थी और तब शायद समुद्री इतिहास की ये भीषणतम घटना कभी नहीं होती। हिम पर्वत से टकराने के 2 घंटे 40 मिनट बाद टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में डूब गया था। टाइटैनिक जब डूबा तो वो अपने सफर के चौथे दिन में था और किनारे से करीब 600 किलोमीटर दूर था। बता दें कि कंट्रोल रूम से टाइटैनिक को हिम पर्वत के बारे में 6 बार चेतावनी दी गई थी। टाइटैनिक में लगी सीटी की आवाज़ को 11 मील की दूरी तक सुना जा सकता था। टाइटैनिक के एक नियंत्रक ने कई सालों बाद ये कहा था कि जहाज के लॉकर बॉक्स में दूरबीन रखी हुई थी, जिसकी चाबी किसी के पास नहीं थी, वरना दूरबीन का इस्तेमाल करके टाइटैनिक को दुर्घटना से बचाया जा सकता था। टाइटैनिक जब डूबना शुरू हुआ था उसके बावजूद भी इसके म्यूजिशियन घंटों तक लोगों का डर भगाने के लिए म्यूजिक बजाते रहे। साल 1912 14 अप्रैल को रात 2:20 पर दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक, जिसके बारे में कहा गया था कि वो कभी नहीं डूब सकता, वो 2 टुकड़ों में अटलांटिक महासागर में समा गया। जिस समय जहाज पानी में डूबा तब पानी का तापमान 0 से -2 डिग्री नीचे था, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता था, जबकि हर 5 व्यक्तियों में से एक केवल 2 मिनट में ही कोल्ड शॉक की वजह से मर गया था। जहाज डूबने के दौरान किसी समझदार शख्स के कहने पर लाइफ बोट में पहले महिलाओं और बच्चों को भेजा गया। यही कारण है कि बचाए गए 711 यात्रियों में केवल 58 ही पुरुष थे। इस दुर्घटना में 1502 मृतकों में से केवल 328 को ढूंढा जा सका, जिसमें 119 मृतकों का शरीर इतनी बुरी तरह नष्ट हो गया था कि उनको समुद्र में ही गाड़ना पड़ा। दुर्घटना की रात अटलांटिक महासागर में कैलिफोर्नियन नामक एक और शिप तैर रहा था। वो टाइटैनिक से बहुत पास ही था, लेकिन उसे सूचना मिलने में देर हो गई, इसलिए वो समय पर नहीं पहुंचा और ज़्यादा यात्रियों को नहीं बचा पाया। टाइटैनिक जहाज पर सफ़र करने वाला सबसे अमीर आदमी जॉन जेकब, जिसके पास उस वक्त $85 मिलियन की संपत्ति थी, लेकिन वो जहाज के साथ ही डूब गया। टाइटैनिक का मुख्य रसोईया शराब पीकर शरीर जमा देने वाले अटलांटिक महासागर के पानी में 2 घंटे तक जिंदा रहा, जिसके बाद उसे बचा लिया गया। टाइटैनिक जहाज पर 9 कुत्तों में से 2 कुत्तों की भी जान बचाई गई। इस दुर्घटना से बचने वाली अंतिम यात्री मिल्विना डीएन थी, जिसकी 31 मई 2009 को 97 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। जिस समय वो जहाज पर थी उस समय वो केवल 2 महीने की थी। काफ़ी खोजबीन के बाद टाइटैनिक जहाज के मलबे को 1985 में खोजा गया, जो समुद्र में 12,500 फीट नीचे मिला। बता दें कि डूबते समय टाइटैनिक के 2 टुकड़े हो गए थे, ऐसे में ये जब मिला तो इसके दोनों भाग एक दूसरे से 600 मीटर दूर मिले। टाइटैनिक एकमात्र ऐसा समुद्री जहाज है जो बर्फ की चट्टान के टकराने से डूब गया था। टाइटैनिक पर दर्जनों फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी है, जिनमें से 1997 में टाइटैनिक फिल्म ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। बता दें 1912 में टाइटैनिक को बनाने में $7.5 मिलियन का खर्च आया था, जो कि 1997 में $120 मिलियन के बराबर थे, जबकि इस फिल्म पर खर्चा $200 मिलियन हुआ था। $200 मिलियन में बनने वाली फिल्म टाइटैनिक ने पूरी दुनिया में 2 बिलियन की कमाई की थी। साथ ही इस फिल्म को 11 ऑस्कर पुरस्कार भी मिले थे। तो दोस्तों, आपको इतिहास की ये रोमांचक घटना की कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले,
ताकि ऐसे ही रोचक और मजेदार वीडियो हम आपके लिए आगे भी लाते रहें।